आज के ही दिन शिवजी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज के ही दिन शिवजी ने कालकूट नाम का विष पिया था जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञात है कि यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था। एक शिकारी की कथा भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है कि कैसे उसके अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी असीम कृपा की थी। यह कथा पौराणिक शिव पुराण में भी संकलित है। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रो नाम का एक शिकारी रहता था जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहाँ पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदे नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर सांधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवनदान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो। वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधा कर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे, यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना।
रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगा, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश, नागराज तथा रुद्रा, शमाला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल हैं, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्रों नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाएं एवं सबकी मनोकामनाएं पूरी करें।